मैया करा दे मेरो ब्याह। मैं सुधरा हुआ नहीं हूँ, अभी बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। मोदी जी 72 के हो गए, मैं 62 का हूँ। ले आओ शुभ घड़ियां मनाओ रे। श्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपको फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भाई आज ना सुबह से ही घर में बारिश चल रही है और मैं ना भाई मतलब कहीं जा नहीं पाया। मतलब जब से उठाऊ ना तब से देखो आप बाहर मौसम, देखो आप पूरा बारिश का मौसम है। और घर में सारे लोग ना आज बैठे हैं, आज मम्मी भी खेत नहीं गई है तो सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो अगर बारिश नहीं होती तो अभी तक मम्मी खेत चली गई होती और मैं चाय लेके खेत में जा रहा होता, ऐसे दिन की शुरुआत होती। लेकिन आज पहली बार भैया दिन की शुरुआत हमारी कुछ अलग स्टाइल में हुई है, क्योंकि भैया बारिश का दिन है। और जब सावन के महीने थे तब तो भाई बारिश कुछ नहीं हुई, लेकिन अब सावन का महीना खत्म हो गया, मम्मी के लिए जब बारिश की जरूरत थी तब तो बारिश हुई नहीं, अब बारिश की जरूरत नहीं, अब बारिश चौमास लग गया। अब चौमास लग गया, अब तो नुकसान ही है बारिश से। होती ना, मतलब देखो सुबह 7 बजे से मैं उठा हुआ हूँ, 8-9-10 बजने वाला है और बारिश कंटिन्यू है। तो आज क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लान थे लेकिन बारिश में तो मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भैया 4-व्हीलर तो है नहीं, अपन 2-व्हीलर वाले हैं। बारिश में जाऊंगा तो लगातार भीग जाऊंगा। जब बारिश आती है ना तो घर में करने के लिए किसी भी काम नहीं होता, क्योंकि आज ना बारिश आई है तो मम्मी भी अब कहीं जाएगी नहीं, खेत तो मम्मी को जाना नहीं है। जहाँ छलिया मुरली बजावत है, दूसरी बात मैं आपको एक बार और बता दूं ना, बारिश के टाइम पे ना अपनी एक तमन्ना तो पूरी हो जाती है, क्योंकि ना गर्मी के टाइम पे ना बहुत बार क्या होता है, घर वाले ना गमलों में पानी डाल नहीं पाते हैं, लेकिन बारिश से ना वो सारे काम हो जाते हैं, सारे के सारे ना बरसात से इनमें पानी लगेगा और देखो कितने हरे भरे हो गए। लेकिन इन वाले गमलों को पानी कह जाएगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इनमें पानी ना खुद ही हमको डालना पड़ता है इस तरीके से। सुबह सुबह करा नाश्ता भी आ गया, भाई लोग भी नाश्ता वास्ता करने लग गए। नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और फरिश्ते बनकर आए हैं और दुनिया में। ऐसा क्यों? सबका हित चाहते हैं वो, गरीबों का भी हित चाहते, छोटों का भी, बड़ों का भी, सबका देश। तो यार भाई अभी ना 12:16 हो गए सुबह के 8 बजे से, 12:16 और बारिश देखो कैसे कंटिन्यू चल रही है। पता नहीं यार, मैं ना आज पहली बार ऐसा रहा कि मैं घर के अंदर बस खड़ा हूँ, बैठा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। ड्राइंग कर लेते हैं या फिर अपना ब्लॉग एडिट कर लेते हैं या फिर कुछ रील्स बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बना लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना तो जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना आप मुझे, भाई मैं लगातार वहाँ पर रील्स डालता हूँ और इंस्टाग्राम के थ्रू ना मैं लोगों से बात भी कर लेता हूँ। क्योंकि भैया नाश्ता वास्ता तो कर लिया था, अब हो गया दिन के लंच का टाइम और कोई कहीं नहीं गया, सब घर में है, मैं, मम्मी, पापा, सब लोग। तो आज मम्मी ने ना आपका लंच बनाया, क्या बनाया मम्मी? खिचड़ी। और खिचड़ी के साथ और क्या है? तो भाई जी खाना वाना हमने खा लिया है और ना आज अभी मुझे बहुत सारे लोग हैं ना इंस्टाग्राम मैसेज आ रहे हैं, रोहित भाई आपका सिल्वर बटन कहते हैं कब आ रहा है। और मैंने क्योंकि ये अनाउंस किया था कि भाई मैं सिल्वर बटन जब आएगा ना तो मैं इस बार मतलब केक कटिंग सेरेमनी नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा सिल्वर बटन मेरे पास आए तो मैं एक भव्य रामायण करूँ और सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो मुझसे आपका केक कटिंग सेरेमनी में मिलना चाहते थे उन सबको मैं रामायण में बुलाऊँ। ताकि फाइनली बड़ी मुश्किल से ना सुबह के 7 बजे से अब आप शाम के 4 बजने वाले हैं, अब जाके ना बारिश रुकी है, घास काटने की तैयारी कर रही है। मम्मी तूने सुबह से घास नहीं काटा ना आज? तो आज मम्मी ने ना सुबह से घास नहीं काटा क्योंकि मम्मी सुबह से घर के अंदर ही थी। क्या ये भूसा करना है, साइड करना है? तो मम्मी बोल रही है जो भूसा है ना भैंस को दिया है, इसको भैंस के मुँह पर कर दो ताकि भैंस, तो भाई ये देखो हमारी ये भैंसें हैं, जब ये खाएंगी तब ये दूध देंगी, तब रहते हैं ना, तो सारे काम करने पड़ते हैं घर के। तो भैया आपके जो रोहित पहाड़ी है ना वो सिर्फ नाम के पहाड़ी नहीं है भाई, अभी ना बरसात की वजह से ना मम्मी इनको खाना भी दो ये दिन में बस एक ही बार दे पाई है। तो बारिश में मम्मी अब गई है घास लेने के लिए, हरा घास लेने के लिए, और आज आप सोच रहे हो कि इनको सफ़ेद सफ़ेद घास ये खिला रहे हैं, ये ना भूसा है। मम्मी गई है घास काटेगी फटाफट से और मैं भी मम्मी के साथ खेत जाऊँगा, मम्मी चले गई है, मैं पीछे पीछे जाऊँगा और घास लेकर आ जाऊँगा, फिर फिलहाल अभी इनको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके भाई जी। मम्मी ना बस अभी खेत को गई होगी और ना भाई साहब बाहर ना फिर से बारिश आ गई, देखो कितनी, हम लोग घर के अंदर बैठे हैं, मम्मी घास काटने गई। तो मैं भी एक काम करता हूँ खेत को चलता हूँ फटाफट से ना, मम्मी अकेले वहाँ भीग रही होगी, चलते हैं और जाके कहते हैं घास ले आते हैं, वरना ना मम्मी फिर बहुत देर तक खेत में रहेगी तो फिर मम्मी को बुखार आएगा। ये भी खेत पहुँच गया और मम्मी ना इधर पेड़ों के नीचे खड़ी है ताकि मम्मी को ना बारिश वारिश ना लग जाए, कैमरा नहीं दिखता और काट रही है, काट ले गट्टा तो घर छोड़ दिया और एक गट्ठा और बचा है। मम्मी की हालत देखो है,
दो गट्टा अकेले से लाती फिर तो यहाँ से ले गया उठा के। बारिश पड़ रही है आराम और रहने वाला हो रहा है भकम भकम मत चलना। चलो ठीक है तो चलो भैया बारिश में गट्ठा ले लिया। मैंने मना किया था तो क्यों आया, दो गट्ठे थे मम्मी अकेले तो लाती नहीं। और पता है हम अभी जवान हैं, हम क्या कहते हैं अगर हमारे साथ हम फिसल भी गए और गिर भी गए ना अगर एक बार अगले बारिश में तो हमारी बॉडी ना बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर मम्मी लोग फिसल गए ना पापा लोग फिसल गए तो फिर भाई आपको पता ही है क्योंकि एक एज के बाद ना आपकी बॉडी रिकवर नहीं करती यार। तो अपन गर्म खून है, अपन तो कैसे भी रिकवर कर लेंगे चाहे कितना बारिश आए तूफान आए कीचड़ हो अपन सारे काम कर लेंगे। एक तो आपको पता है उत्तराखंड में हाई अलर्ट है और इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही है, ऊपर से ना मम्मी खेत आ गई और मम्मी से कितना ही मना किया लेकिन मम्मी कहाँ मानती क्योंकि मम्मी। और रास्ता आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, रास्ते में ना चलने के लिए कहीं पर भी कुछ नहीं है, बस ना हमारे खेत में ना रास्ता भी नहीं है यार। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अभी जब मम्मी घर से गई थी ना तब तो बारिश नहीं थी बिल्कुल भी, तब हमने मम्मी को बोला चल बारिश नहीं है तो चले जा हम लोग घास लेके आ जाएंगे। तो यार ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में कितनी माताएं होती होंगी जो बारिश के चलते एक बार घर से अगर निकल जाती हैं जंगल लकड़ी लेने या खेत में घास काटने ना पता नहीं कितने घंटे घंटों तक ना वो बारिश में भीगते रहती होंगी। लेकिन उसके बाद भी वो घर आती हैं खाना बनाती हैं नहाती हैं बच्चों के कपड़े धोती हैं उसके बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन एक हमारी एज के नौजवान अगर हम थोड़ा भी अगर कोई काम कर लें ना घर में या खेत में या बाज़ार में घूमने का ही काम कर लें भाई घर आके हम लोग ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते थे कि आज हमने पहाड़ी खोद दिया होगा। बट चलो अभी कोई नहीं, एक काम करते हैं फटाफट से घास को ना घर रख के आते हैं। ये घास देख के देखो कैसे आने लग गया आगे से। भाई अभी तो घास आया ही है बस जस्ट अभी तो मतलब इनको घास दिया भी नहीं है, देखो अभी से इनका कैसा नाटक होने लग गया। पूरा ही भीग गया भाई मैं तो। अपन नहाएंगे बढ़िया तरीके से क्योंकि भीग तो पूरा गए हैं। तो भाई उत्तराखंड में अलर्ट हो या कुछ हो भैया अपन तो पूरे मजे लेंगे बारिश के क्योंकि भैया घर के काम जरूरी है, काम करते करते ना पूरे मजे आ जाते हैं यार। अब ना घर आने के बाद ना मन तो कर रहा है कि बारिश में ना भीगते रहे। तो भाई साहब अपन कपड़े वपड़े चेंज करके आ गए और अब बैठ के ना बढ़िया तरीके से पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और आज मैं सुबह से आपसे कहता ना जब घर में ना मतलब बारिश होती है और सब लोग घर पर रहते हैं ना तो क्या मन करता है, हर किसी को पता है कि भैया चाय और पकौड़ी खाने का मन करता है। तो भैया अब हमारे घर में आपका आलू तो पकौड़े पहले मैं बनाने वाला था लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज आ गया। इन्होंने कहा आप ही बनाओगे हैं, आप ही बनाओगे, तुम तो कहते कि मैं बनाऊंगी ना, मैं पढ़ाने जा रही हूं मेरे बच्चे ने वाले ट्यूशन के। ये पैसों के सामने देखो सब फीका पड़ जाता है। बनाते क्यों नहीं हो जल्दी जल्दी, चुप है मत जाना। मैं अनपढ़ हूं थोड़ी हूं यार, तुम मैं वाली हूं नसीब अपना अपना वाली, इसकी छुट्टियां खड़ी ही रहती है। तो भैया बारिश आए और पकोड़े ना बनाए ऐसा तो भैया हो ही नहीं। अभी ना देखो घास वास काट के आया पकोड़े बनाने की तैयारी थी और घर पे कोई आइसक्रीम लेके आ गए और कौन आए पिछले कोई तीन चार दिन पहले मेरे को आपको रास्ते में रात को मिले थे ना कुछ रोहित, तो अभी अचानक से कैसे आना हुआ? हाँ, एक्चुअली मंगवानी कहते मैं पहले आज सुबह यहाँ आप लोग अकेले बाइक से? नहीं बाइक में नहीं है, कार में बाइक। अच्छा तो आओ बैठो ना सब लोग, उसका हेडेक हो रहा है तो वो नहीं आ रही है। अरे तो घर बैठो आराम से कोई दिक्कत नहीं, आओ सही टाइम पे कहते हमारे यहाँ पकौड़ी बन रही है, स्मेल आ रही है, पकौड़ी बन रही है और मेहमान भी आ गए। तो भैया हमारे मेहमान आ गए, भैया भी आ गए और भाभी जी भी आ गई है और पानी पी लो, वैसे पानी की नीड तो मेरे को लगता नहीं इस ठंडे में होगी कहीं से कहीं तक बहुत नीड है इसकी। मतलब बारिश के दिन पकौड़े बनते टाइम मेहमान आते हैं तो क्या कहते हैं इसको, मतलब वो कहते हैं ना जिसकी कहते हैं कुछ हमारे वहाँ कहते हैं पहाड़ों में नाभी ढेली में रखी होती है वो खाते टाइम आता है। तो भाई इनके साथ भी ऐसी कुछ होगा यार, तभी बिल्कुल हमने पकौड़ी बनाने का प्लान बनाया था और आप लोग पहुंच गए फटाफट से। हमने जो पकौड़ी हम बनाने वाले थे हमने पकौड़ी देखो हमारे घर वाले ने पकौड़ी भी कम कम रखी है, वो कंजूस है घर वाले हमारे ठीक है। मैंने अपने हाथों से बनाई है बड़ी प्यार से, वाओ बहुत ही प्यारी हो रही है, बहुत क्रंची है। तो आपको भी अगर रोहित पहाड़ी के हाथ के पकौड़े वकौड़ी खाने हैं तो रोहित पहाड़ी के घर आ जाओ ठीक है।
भैया झूठ बोल रहे हैं, भाभी ने बनाई। अपने घर पे जो गेस्ट आए थे ना, इतनी बारिश बारिश में आए थे, अब इनको भारी बारिश में भेज देना पड़ेगा तरीके से। और ओके, ये ओके, रोहित भाई का प्यार है और इनकी हम्बलनेस है मेन चार्ज। मतलब इतना, मतलब इतने अच्छे लेवल में होने के बाद भी इतना पोलाइट कोई हो सकता है ना, तो ये यूट्यूबर। देखो इतनी बारिश है, ये बहाने बना सकते थे मैं घर पे नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन नहीं, भाई ने अंदर बुढ़ाया, चाय पिलाई, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट किया है। तो मैंने क्या है, बाय बाय, टेक केयर, आते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना घर के गेट से बाहर नहीं जाता क्योंकि बारिश ना भाई बहुत खतरनाक वाली हो रही है, तो मैंने इनको भेज दिया है। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं घर के अंदर क्योंकि हमने पकौड़ियाँ खाई है कम, मेहमानों के सामने हम कम कम खाते हैं। लाओ पकौड़ियाँ, मेहमानों के सामने मैं खा नहीं पाता हूँ ज्यादा। जब घर पे ना कोई मिलने जुलने आते मेहमान, तो ना खाना पीना कम कम खाते, शर्म के मारे थोड़ा इज्जत रखते हुए एक पकौड़ी को हाथ लगाते हैं। पकौड़ी खत्म है, खत्म हो गई। और मम्मी भी अब खेत से घर आ गई है और मम्मी ने मुझे भी बहुत बिगाड़ दिया आज खेत में। भीगना ही पड़ता है, बरसात रहेगी, जानवर भूखे मरेंगे क्या? उनको खाना तो देना पड़ेगा, हम तो अंदर बैठ बैठ के खा लेंगे, जानवरों को भी खिलाना पड़ेगा थोड़ा कुछ। अच्छा, अभी अमेजोन वाला बाहर से आया और हमने ना कुशन ऑर्डर किया था अपने घर के लिए, क्योंकि हमने कुछ नए कुशन भी लाए अपने सोफे के लिए। तो अभी अचानक से भैया आ गए अमेजोन से हमारे ऑर्डर किए हुए। आपका ये किसकी पसंद है, मम्मी की पापा की? तुमको ये सब अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छा तो मुझे तो, मैं तो कहूँ सोने के कबर में डाल दो, सोने का कबर हो, उसमें सोने की वो हो, लाइटिंग हो, डिजाइनिंग हो या आर्ट हो, ऐसा डाल दो अगर आपकी। मतलब तुमको ये पसंद नहीं है? मतलब है, पसंद से क्या मतलब होता है बच्चे, तो तुम लोग शाम को वीडियो बनाते हो और पूरा उसको वायरल करते हो। आदत सुधार दी, मैं सुधरा हुआ नहीं हूँ, अभी बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। मैंने दुनिया का आनंद ले लिया है, दुनिया को पहचान लिया है, लेकिन दुनिया तो अभी क्या कहते हैं, पापा गायब है, इस बात के आए हैं तो पापा को बारिश में भीगने के बाद ना पापा थोड़े गरम गरम हो जाते हैं। गरम हो जाते हैं, गरम होने का मतलब क्या होता है, हम किसान भी हैं, अभी हम ड्यूटी पेशे से भी फ्री हुए हैं तो होते हैं, हम किसान हैं, हम परेशान तो होते ही हैं, 10 जगहों पर ठोकरे का घास लानी पड़ती है, भीगना पड़ता है, खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, बगीचे भी देखने पड़ते हैं। चलो नौकरी पेशे तो देख लिए, 36 साल नौकरी पेशे को देख करके बाय बाय कर दिया है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बर्थडे है, क्या कहना चाहोगे मोदी जी के लिए, दो अच्छे शब्द? मैं सबसे पहले श्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम तो और लंबा है, ये वीडियो उन तक जाए, नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्म वर्ष जिसको कहते हैं हैप्पी बर्थडे। हाँ। तो मोदी जी आपको हैप्पी बर्थडे मेरी ओर से, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा देश में पहला प्रधानमंत्री मैंने अपनी इस 62 साल की एज में देखा। मोदी जी 72 के हो गए, मैं 62 का हूँ अभी। मैं जिगरे वाला गाना गा दो लाइन, चलो आओ सुबह घड़ियां मनाओ रे। मोदी जी के लिए हमारे पापा बस 2 ही लाइन गाएंगे, ज्यादा तो नहीं गाएंगे। चलो चले आओ शुभ घड़ियां मनाओ रे, चलो आओ सुबह घड़ियां मनाओ रे, घर घर मगन ऋतु छाई रही है, घर घर मगन ऋतु छाई रही है, ऐसी खुशी में मनाओ रंग रसिया मनाओ रे, चलो आओ सुबह घड़ियां मनाओ रे। तो भैया ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर पे। अब हम केक तो नहीं काट रहे कि आज सुबह से बारिश थी, आपने देखा हम घर भी नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकल पाए, खेत में घास लेने भी कैसे कैसे गए, आपने देखा। और आज मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां दूंगा कि 74 साल 74 साल बाद इस देश में चीतों का पुनर्वास हुआ, चीतों का पुनर्वास। तो हमारे प्रधानमंत्री तो चीता जैसे ही हैं। नहीं, मैं सारे देखिए ऐसा है रोहित जी, प्रधानमंत्री मैंने अभी तक कितने देख दिए 62 साल की एज में, लेकिन ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज ए मेरिकुलस पावर इतनी है, और बोलने की कार्य क्षमता, और जितने देशों का भ्रमण किया है वहां पर कुछ न कुछ उपलब्धियां लेकर के ही आए हैं। मैया करा दे मेरा गूगल,
गूगल पापा का गूगल कहाँ गया? छोरी से मेरो तो भैया आपने पापा का गाना तो सुन लिया, मोदी जी के उन्होंने क्या कहा। अब हम लोग जा रहे हैं रामलीला की तालीम में। पापा चल रहे हो तालीम में? ना ना ना। तो चलो हम लोग चलते हैं वहाँ। हमारे भाई लोग ना डायरेक्टर और पात्र बने हुए। 25 साल इस रामलीला में इतना बड़ा योगदान दिया। 1 साल शत्रुघ्न, 3 साल सीता, 4 साल राम, 5 साल अंगद, केकई और उसके बाद परशुराम, इतने इतने और 9 साल डायरेक्शन कमोला धमोला और विजयपुर गांव को दिया है। अब कुब्बत नहीं है, अगर कहीं पर इन कमेटी वालों के आड़े आ जाएगी कोई बात, फंस जाएगी कहीं पर, तो राम के कार्य में विघ्न नहीं आने दूंगा, ये मेरा वचन है। तो हम लोग जाएं फिर? यू कैन गो। हम कैन गो? You can go. चलो हम कैन गो। ओके तो भाई फाइनली मैं आपका अपने घर से ना रामलीला की जहाँ रिहर्सल होती है, तालीम बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, मैं वहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पे ना आपका रिहर्सल चल रही है आपका।